एमपी के सागर जिले में कोरोना का कहर जारी है। रविवार की देर शाम दो और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव आने वालों में एक शहर की सिंधी कैंप में प्राइवेट डॉक्टर है जो लोकल प्रैक्टिस करता था। सर्दी खांसी होने पर वो स्वेच्छा से फ्लू ओपीडी में चेकअप कराने पहुंचा था, जिसका सैंपल पॉजिटिव निकला है। अब उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है कि उसने पिछले 10 से 15 दिनों में किन लोगों का इलाज किया है। दूसरा कोरोना पॉजिटिव 19 वर्षीय युवक है जो राहतगढ़ के कनौनी गांव का निवासी है। वो गाजियाबाद टूल टैक्स पर काम करता था। ये 15 तारीख को टीबी अस्पताल में अपनी टेस्टिंग करवाने आया था, जिसमें कोरोना के सिम्टम्स देख सैंपल लिया गया और वो पॉजिटिव निकला है। अब प्रशासन इसकी कॉन्टैक्ट और ट्रेवल हिस्ट्री का पता लगा रही है, साथ ही वो अपने जिन परिचितों से मिला है उनको क्वारंटाइन कराना शुरू कर दिया गया है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आने वालों के सैंपल लिए जाएंगे। इन दोनों को बीएमसी के कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। सागर में अब कोरोना मामलों का आंकड़ा 21 पर पहुंच गया है। बीएमसी में अब भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या 13 हो गई है। दो भोपाल रेफर हो चुके हैं, 5 मरीज ठीक होकर पहले ही घर जा चुके हैं, जबकि एक की भोपाल में मौत हो गई थी। प्रशासन ने इन क्षेत्रों को सैनिटाइजेशन करके कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जहां आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आज दिनांक 17/5 को बीएमसी के वायरोलॉजी रिपोर्ट से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 2 केस पॉजिटिव आए हैं। पहला वाला 55 वर्षीय युवक जो कि सिद्धी कैंप सागर निवासी है और वह वहां पर लोकल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उक्त को वो स्वयं यहां पे फ्लू ओपीडी में सर्दी खांसी बुखार होने की वजह से स्वयं जांच कराने यहां पे आया था। दूसरा वाला युवक जो 19 वर्षीय है, जो कि ग्राम कनौनी पोस्ट राहतगढ़ थाना बहरोल निवासी है और वो 15 तारीख को यहाँ पे आया और इसकी ट्रेवल हिस्ट्री है कि ये गाजियाबाद से यहाँ पे आया है। इन दोनों युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनको एचडीयू वार्ड में बीएमसी के उसमें भर्ती करके इलाज चालू कर रहे हैं।